आज के ज़माने में एक ओर जहां बच्चे अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कलयुग में भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी सतयुग के श्रवण कुमार जैसे ही निभा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे हैं धराओं के रहने वाले देव और इटावा के रहने वाले अजय, जो अपनी माओं को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़िए अलग अलग जगह से पवित्र नदियों का जल लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। धराऊं गांव के देव ने अपनी माँ को कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। देव ने बताया कि उनकी माँ की इच्छा थी कि वो अपने जीवन में कांवड़ यात्रा करें, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपनी माँ को कांवड़ यात्रा कराएं। इसी विचार के चलते वो माँ को कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। दूसरे श्रवण कुमार बेटे अजय ने कहा कि मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी माँ की सेवा करें और हो सके तो अपनी माता को भी कांवड़ यात्रा कराएं। जैसी माँ की यात्रा मैं कर रहा हूँ, ऐसी आप लोग कीजिए, क्योंकि माँ के चरणों में जाएगा और सब कुछ से मुक्ति पाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।